हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पुलकित गुलाटी ब्लॉग्स। गाइज अभी मैं हूँ अपने ऑफिस में, छोटा सा शॉप है मेरी, मैं आपको कभी फिर दिखाऊंगा, ठीक है। तो अभी गाइज मैं अपनी करता ट्रेन की टिकट बुक वैष्णो देवी के लिए। आप लोग भी गए होंगे वैष्णो देवी और कुछ लोग अभी जाने का प्लान कर रहे होंगे। तो जो लोग वैष्णो देवी जाने का प्लान कर रहे हैं वंदे भारत ट्रेन से, तो ये वीडियो है उनके लिए। मैं अभी अपनी टिकट बुक करा था IRCTC की वेबसाइट के थ्रू वंदे भारत के लिए। तो उसमें जो प्राइसिंग थी काफ़ी ज़्यादा थी 1665 की। तो मैंने टिकट अपनी 1320 की बुक की है, तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे आप वंदे भारत की जो टिकट है 1665 की, उसको आप 1320 में बुक कर सकते हैं, ठीक है गाइज। तो बने रहिए इस वीडियो में, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होने वाली है, क्योंकि जो लोग वैष्णो देवी जाना चाहते हैं उनकी टिकट प्राइस कम कैसे होगी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो फटाफट चल लेते गाइज मेरी लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। सो गाइज IRCTC की वेबसाइट ओपन हो चुकी है। अगर आपको ऑलरेडी IRCTC पे अकाउंट है तो आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ से रजिस्टर भी कर सकते हैं। मेरा अकाउंट है तो मैं लॉगिन करूँगा। सो गाइस मेरा अकाउंट लॉगिन हो चुका है। अगर आपको टिकट बुक करनी है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, मैं सिलेक्ट करता हूँ न्यू दिल्ली टू कटरा। हम डेट सेलेक्ट कर लेते हैं 29। सो यहाँ पे आपको जो टिकट शो हो रही है 1665 ही शो हो रही है, अवेलेबिलिटी है, तो हम इसको बुक करेंगे। कुछ इस तरह से आपको शो होगा। यहाँ पे आपको पैसेंजर्स की डिटेल डालनी होती है। नेक्स्ट पैसेंजर की आपको यहाँ पे डिटेल डालनी है। यहाँ पे आपको अपना नंबर मेंशन करना होता है। यहाँ पे डेस्टिनेशन एड्रेस आपको मेंशन करना होता है। सो मैं यहाँ पे वैष्णो देवी मेंशन कर देता हूँ, कटरा, ये ऑप्शनल है। यहाँ पे आपको पिन कोड डालना होता है डेस्टिनेशन का, पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट करना होता है, मैं वैष्णो देवी कर लेता हूँ सिलेक्ट। यहाँ पे होता क्या है गाइस, कभी कभी आपकी क्या होती है, टिकट आपने सिलेक्ट कर ली, सब कुछ हो गया, आप पेमेंट तक गए, बट आपकी टिकट जो है कंफर्म नहीं होती है, नॉट बुक्ड का आपको मैसेज आता है आफ्टर 5 मिनट्स। अगर मैं आपको दिखाऊं फेल्ड टिकट, तो ये देखिए मेरी रात से कितनी बार जो है टिकट फेल्ड हो चुकी है, आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बार जो है मेरी टिकट जो है वो फेल्ड हो चुकी है। रीजंस उसके ये होते हैं, एक तो हमने ये सिलेक्ट कर दिया, तो इसमें क्या होता है कि हमारी एक जो टिकट है वो हो जाती है कंफर्म, बट दूसरी नहीं होती है, तो उस केस में जो आपकी दोनों टिकट कंफर्म नहीं होंगी, क्योंकि आपने यहाँ पे टिक कर दिया है तो आपको यहाँ पे टिक नहीं करना है। और दूसरी चीज, अगर आपने यहाँ पे ये बुक ओनली इफ ऑल बर्थ आर अलॉटेड इन सेम कोच, अगर आपने ये कर दिया तो अगर आपकी दोनों टिकट सेम कोच में नहीं है तो भी वो बुक नहीं होंगी, तो आपको यहाँ पे भी सिलेक्ट नहीं करना है कुछ भी, आपको टर्म्स एंड कंडीशंस पे यस करना है। उसके बाद अगर आप भीम UPI के थ्रू करते हो तो आपको 20 रुपीज प्लस GST लगता है, अदरवाइज आपका 30 रुपीज प्लस GST जो है टैक्स लगता है, आपका कन्वीनियंस फीस लगती है। सो हम कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद आपको, अगर आप यहाँ देख पा रहे हैं, तो टैक्स लगने के बाद आपकी जो है टिकट्स 3360 की हो रही है 2 टिकट्स, ठीक है। तो मैंने आपको जैसा ही कहा था कि आपकी जो टिकट्स हैं वो 1665 से हट के 1320 में बुक होंगी, तो बताता हूँ कैसे होती हैं। जब आप यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे होते हैं तो यहाँ पे आपको नो फूड जो है सिलेक्ट करना होता है। नो फूड सिलेक्ट करेंगे तो जो आपकी टिकट्स हैं वो आप यहाँ देख पा रहे होंगे 2676 की जो है हो रही हैं। तो जो आपकी एक टिकट है वो 1320 की है, अप्रोक्स पड़ जाती है आपको। इसके बाद जब आप
आगे जाते हैं, कंटिन्यू करते हैं इसको, तो आपको यहाँ पे काफी सारे पेमेंट ऑप्शन दिख जाते हैं। अगर आपने ये वाला पेमेंट ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो आपकी जो पेमेंट है, चांसेस होते हैं 99% की जो पेमेंट डन नहीं होगी, तो आपकी जो टिकट्स है वो कंफर्म नहीं होंगी। तो आपको मैं प्रेफर करूंगा कि आप ये वाला जो मोड है सिलेक्ट कीजिए, रेजर पे के थ्रू आप पेमेंट कीजिए। हालांकि जो रेजर पे है उसमें आपको कुछ चार्जेस एक्स्ट्रा पे करने पड़ सकते हैं, बट स्टिल रेजर पे जो है वो आपकी पेमेंट को कंफर्म कर देता है, ठीक है। और यहाँ पे जो इसकी फीस है वो ऐड होती है, ऊपर ऐड ऑन होती है, तो यहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है गाइस। आई होप आपको पता लग गया होगा कि किस तरीके से आपकी जो 1665 वाली टिकट है वो 1320 में बुक हो जाएगी, ठीक है। तो मैं इसको कर देता हूँ लॉग आउट। अभी मेरी टिकट बुक हो चुकी है काफ़ी इजीली। अभी मैंने इसमें जाने की और आने की दो बहुत सारी टिकट्स मैंने बुक करी है, जो कि आपको शो हो जाएगी यहाँ पे माई ट्रांजेक्शन में, आएंगे बुक टिकट हिस्ट्री। इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको ये जानकारी जो अच्छी लगी होगी। 1665 वाली जो आप टिकट है, 1335 या 1350 के आसपास की आप कैसे बुक कर सकते हैं, आप फूड का जो ऑप्शन है वो हटा देना, नो फूड कर देना, तो आपके क्या उसमें से 364 के अप्रॉक्स आपके पैसे कम हो जाएंगे, ठीक है। और जो मेरी नेक्स्ट व्लॉग आने वाला है जो वैष्णो देवी का है, जरूर उस व्लॉग को देखना, ठीक है। और अगर जानकारी अच्छी लगी है तो इसको शेयर कर देना आगे, ठीक है गाइस। क्योंकि आप जो पहले टिकट थी 1100 समथिंग थी वंदे भारत की, वैष्णो देवी की, बट अभी जो है टिकट्स काफी प्राइजेस बढ़ चुके हैं, तो इसलिए मैं सोचा कि यार मैं बुक कर रहा हूँ तो मेरे को भी कहीं ना कहीं कम करना ही था। तो मैंने जब नो फूड किया तो उसमें रिड्यूस हो गई पेमेंट। तो कईयों के सवाल आते हैं कि यार कैसे बुक करें, इतनी महंगी टिकट है, तो मैंने कहा इसके ऊपर क्यों ना एक वीडियो बना दी जाए, ठीक है गाइस। तो आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपने अब तक नहीं किया है तो, ठीक है। सो गुड बाय।